तो अमरनाथ में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। वहां पर इस वक्त क्या हालात है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है और किस तरीके से वहां जो रेस्क्यूड किए गए हैं यात्री उन्हें कहां ले जाया गया है, हर एक अपडेट हर एक तस्वीर आपको देखने को मिल रही है सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नवीन कुमार भट्टांगर, DIG है, पूर्व रह चुके हैं NDRF के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बालटाल से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी, साथ ही श्रीनगर से निधिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई है, दिल्ली से नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नवीन मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन पहले मैं आसिफ आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए अपर्णा, लेटेस्ट अपडेट ये है कि सेना की तरफ से अब अतिरिक्त इक्विपमेंट जो है वो गुफा के पास लाए गए हैं, जिनमें दीवार के थ्रू देखने वाले यानी वॉल एक्सरेज और उसके अलावा स्निफर डॉग्स की को अतिरिक्त टीम भी यहां पे बुलाई गई है। इसके अलावा जो वरिष्ठ पुलिस और सैन्य अधिकारी वो जो है वो गुफा पर पहुंचे हैं और यहाँ पे राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं बता दूं कि अपना कि गुफा के पास जब बादल फटा था उसके साथ जो मलबा आया है कई जगह पे वो 15 फीट तक ऊंचा है, यानी 15 फीट ऊंचे मलबे में से जो दबे हुए लोग हैं जिनकी आशंका है कि वो इस मलबे के नीचे दबे हैं उनको ढूंढने की कोशिश हो रही है, इसीलिए वॉल एक्सरे इक्विपमेंट को यहां पे मंगाया गया है। इसके अलावा सेना की जो अतिरिक्त टीम्स पहले से यहां पे मौजूद है वो भी काम कर रही है, SDRF NDRF भी कर रहा है, जबकि 17 जो इंजर्ड थे उनको बालटाल बेस कैंप शिफ्ट किया गया है, जिनमें से 3 के बारे में बताया गया है कि उनको हेड इंजरीज है, बाकी को सर्दी लगी है, कुछ के हाथ और पैर में चोट लगी है, तो इसी तरीके के इंजर्ड को यहां पे लाया गया है। लेकिन कुल मिला के देखे तो अभी भी उन 63 लोगों की तलाश जारी है जिनके बारे में कोई भी जानकारी ना तो अधिकारियों के पास है ना ही उनके परिजनों के पास है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि इस बाढ़ की चपेट में जो 63 लोग आए थे उनको ढूंढने का काम जारी है। उस काम के लिए जो पहाड़ी दरिया है जिस में बाढ़ आई थी उसके पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है कि ऐसे लोगों को चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। 63 जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है, उनकी तलाश यहां पर पुरजोर तरीके से की जा रही है। आसिफ आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर भटनागर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस रफ्तार के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर, और क्या आपको लगता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जा सकती है कुछ और डिवाइसेस का इस्तेमाल करके? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, जितना हम डिले करेंगे, हम नहीं करेंगे मतलब डिले जो रेस्क्यू में और सर्चिंग में जो टाइम लग रहा है, जितना डिले होता जाएगा उतना ही डेथ रेट बढ़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर हाइपोथर्मिया के चांसेस हैं। जो लोग मिट्टी में मड में फंस गए हैं, जो बॉर्डर्स के अंदर फंस गए हैं, जो दाएं बाएं कहीं ऐसी जगह जाके बेहोश हो गए हैं जिनको ट्रेस आउट नहीं किया कर पाए हैं, तो उनमें जितना डिले होगा उतना ही डेथ रेट बढ़ सकती है। इसलिए हमारी प्रायोरिटी है कि सारे अपनी जो संसाधन लगा के और उनको ढूंढना है। अब इसके अंदर वैसे कुछ डिवाइसेज हैं जैसे लाइफ लोकेटर का इस्तेमाल करके और भी जल्दी हम इनको ट्रेस आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट ड्रोन्स है, जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर्स के साथ है ड्रोन, उनका इस्तेमाल अब तक कर देना चाहिए था। अगर इनका इस्तेमाल करते तो और जल्दी हम अपना रेस्क्यू को अंजाम दे सकते थे, क्योंकि अब पल पल हमारे लिए एक खतरे की घंटी है, जितना डिले करते जाएंगे उतना ही हमारा। बिल्कुल, तो हर घड़ी बहुत क्रूशियल है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, जो जानकारी है, पहली बात तो ये जो मैं ऐड कर देता हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बात कर रहे थे आसिफ और जो हमारे एक्सपर्ट कर रहे थे, इसको वॉल डिटेक्शन रडार कहा जाता है, जो कि सेना जो है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कश्मीर में इस्तेमाल करती है कि अगर दीवार के पीछे या किसी घर में कोई आतंकी छिपा हो तो उसको कैसे पता लगाया जा सकता है। तो उसका इस्तेमाल जो है वो इस मलबे में किया जा रहा है कि मलबे में जो अभी तक जानकारी मिल रही है 30 से 40 लोग मिसिंग हैं, लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है इस वॉल डिटेक्शन रडार के जरिए। इससे जो है मलबे के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई जिंदा इंसान या कोई और तो अंदर नहीं फंसा हुआ है, तो उसको निकाला जा सकता है।
और जो जानकारी मिली है रेस्क्यू ऑपरेशन की, अब जो पूरा ट्रैक है अमरनाथ यात्रा का, उस पर जो 15,000 तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उनको सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। यानी कि अब इस अमरनाथ यात्रा में जो ट्रैक है इसका 8 से 10 किलोमीटर बालटाल की तरफ से, वहां पर कोई यात्री नहीं मौजूद है, यानी कि कोई तीर्थयात्री अब रास्ते में मौजूद नहीं है, उन सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। जैसे कि पहले जानकारी मिल चुकी है, सेना और ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम जो है उससे जानकारी मिली है, 15 लोगों की अब तक मृत पाए गए हैं, 65 लोग जो है इंजर्ड हैं। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि सुबह से कम बारिश हो रही थी तो हेलीकॉप्टर्स की सोर्टीज हो रही हैं, और हमने देखा कि ALH हेलीकॉप्टर से जो सेना के जो जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको नीचे लेकर आए जा रहे हैं सुरक्षित स्थान पर और हॉस्पिटल्स में, जो कि नीचे बालटाल में हॉस्पिटल भी है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स भी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज के, तो उनको वहाँ ले जाया जा रहा है। इसके अलावा जो भारतीय सेना के साथ साथ जो भारतीय सेना की जो चिनार, जो श्रीनगर स्थित जो 15वीं कोर है उसके जो GOC है यानी कोर कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल AGS औजोला, वो खुद वहां पहुंच चुके हैं पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर करने के लिए। बाबा, बाबा। कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।